सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सभी पत्रकार बंधुओं का राजीव गांधी भवन गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता माननीय माननीय दिग्विजय सिंह जी हमारे बीच में आए हैं और कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर वो पूरी तरह से अपना प्रकाश डालेंगे। पहले उनका वक्तव्य हो जाए, उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे वो आमंत्रित होंगे। मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हेमांग रावल जी, हिरेन जी और यहाँ के जो भी लीडर्स हैं वो भी मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय दिग्विजय सिंह जी से कि वो अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखें। धन्यवाद आलोक जी। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि अहमदाबाद की प्रेस के सामने मुझे आने का अवसर मिला। गुजरात सदियों से व्यवसाय का प्रमुख केंद्र रहा है। जिस क्षेत्र में 1400 किलोमीटर की कोस्टलाइन हो, सारा व्यवसाय भारत में आयात और निर्यात का इन्हीं के माध्यम से हुआ। गुजरात के लोग पूरे देश में भलमनसाहत व्यवसाय ईमानदारी के लिए जाने जाते रहे, एंटरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, बिजनेस एक्यूमन के लिए जाने जाते रहे। और हमेशा से यहां की पर कैपिटा इनकम अन्य राज्यों से बेहतर रही है, फ्रंटलाइन स्टेट रहा है। और साथ में जब 1960 में गुजरात राज्य का गठन हुआ तो 60 और 70 के दशक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट सामने आए, इंडस्ट्रियल स्टेट्स अंकलेश्वर, वापी, अहमदाबाद, राजकोट, और राजकोट एक ऐसा केंद्र बना जहां इंटरनेशनल मार्केट में ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए जाना जाता रहा है। तो ये जो अब कहानी गढ़ी जाती है कि सारा विकास गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने कराया और मोदी जी ही गुजरात है, गुजरात इज मोदी का ये बयान स्वयं उनके श्रीमुख से जो आया है, ये व्यक्ति के अहम और अहंकार का सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि आप देखेंगे तो नोटबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान छोटे मध्यम उद्योगों का हुआ। नोटबंदी में 4 वादे किए गए, काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फेक करेंसी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना आतंकवाद समाप्त हुआ, ना काला धन आया, ना फेक करेंसी
समाप्त हुई। यहां तक कि अधिकांश फेक करेंसी कहीं पकड़ी जा रही है तो गुजरात में पकड़ी जा रही है, भाजपा के राज्यों में पकड़ी जा रही है, शासित राज्यों में पकड़ी जा रही है। फिर कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए नोटबंदी की गई। जिस दिन नोटबंदी हुई उस दिन करेंसी मार्केट में लगभग 17.5 लाख करोड़ की थी, लेकिन आज से तब से लेकर आज 6 साल बाद 17.5 लाख करोड़ की करेंसी मार्केट में बढ़कर 33 लाख करोड़ हो गई, दुगनी हो गई। ये आरबीआई की फिगर्स कोट कर रहा हूं, मैं अपने फिगर कोट नहीं कर रहा हूं। आखिर ये नोटबंदी की क्यों गई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था ये सबसे बड़ा स्कैम है, भ्रष्टाचार का एक निर्णय है और 2% जीडीपी इससे गिरेगी। आपको याद दिलाना चाहता हूं, पता नहीं गुजरात पे इसने नोट लिया था कि नहीं लिया था, डॉक्टर यतीन्द्र ओझा जी ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि अमित शाह जी के लोग 1 करोड़ पुराने नोट के बदले 67.67 लाख करोड़ यानी कि 32.5 लाख का कमीशन ले रहे, लिखित में दिया था, उसका जवाब नहीं आया। जीएसटी का विरोध करते रहे मोदी जी, किसी भी देश में जीएसटी सिंगल टैक्स रिजीम वहां सफल हुआ है जहां सिंगल और एट द मोस्ट 2 स्लैब रेट हो, और किसी भी देश में जहां मल्टी स्लैब जीएसटी है वहां सफल नहीं हुआ है। यहां 5 स्लैब्स हैं और 7 में सेस अलग है, व्यापारियों को हर 3 महीने में रिटर्न पेश करने पड़ रहे हैं, छोटा व्यापारी तो त्रस्त है जीएसटी से। जिस प्रकार की तैयारी होना चाहिए वो नहीं हुई, और जिस जीएसटी का वो विरोध करते थे मोदी जी उसका उन्होंने इवेंट कर दिया। अडवाणी जी ठीक कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी से बेहतर इवेंट मैनेजर कोई हो नहीं सकता, हर चीज में इवेंट है, और उसमें जिस तरह से सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में 14-15 अगस्त 1947 की रात को हम लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो फेमस स्पीच आजादी की, जिस दिन आज देश आजाद हुआ, उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम का उदाहरण लेते हुए वहां वो इवेंट रखा। उसके बाद कोविड का हैंडलिंग इतना पुअर हुआ है पूरे देश में और गुजरात में भी, मेरे जहां तक मुझे जानकारी है, कोई तैयारी नहीं थी। राहुल गांधी जी ने 13 फरवरी को 2020 में कह दिया था कि सुनामी आने वाली है, तैयारी करिए। पार्लियामेंट में पहले 2nd वीक मार्च में मोदी जी के स्वास्थ्य मंत्री जी ने मखौल उड़ाया कि ऐसा कुछ नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, पीपीई किट्स के एक्सपोर्ट चलते रहे, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट होता रहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट होते रहे, यहां तक कि जो वैक्सीन तैयार की गई उसमें भी ऑर्डर देने में विलंब हुआ। ये सब फैक्ट्स हैं। और
लाखों लोगों की मृत्यु हुई, उन्हें 4 लाख रुपए, क्योंकि इसको डिजास्टर घोषित कर दिया था अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, लेकिन सुबह नोटिफिकेशन निकला और शाम को नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज भी जितने भी लोगों का देहांत हुआ है उसमें उसका आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। गुजरात एक मॉडल हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का, गुड गवर्नेंस का। 27 साल में गुड गवर्नेंस की जो हालत हुई है उसका एक स्पष्ट उदाहरण आता है मोरबी का ब्रिज डिजास्टर। देश के संविधान में पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है। राजनेताओं को कानून, नियम, रूल्स, रेगुलेशन बनाने का अधिकार है, नीति बनाने का अधिकार है, पालन करने का अधिकार ब्यूरोक्रेसी को है। नियमों का पालन करने का अधिकार ब्यूरोक्रेसी का है और यदि कोई भी सरकार का निर्णय संविधान के विरुद्ध या नियम के विरुद्ध कोई मंत्री या मुख्यमंत्री कोई आदेश देता है तो ब्यूरोक्रेट को फाइल पर यह लिखने का की स्वतंत्रता है और इसको अच्छा गुण माना जाता है ब्यूरोक्रेसी के लिए। ब्यूरोक्रेसी में गुड गवर्नेंस का सबसे प्रमुख यही की बात है, लेकिन मोदी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में यदि किसी ने मोदी जी के निर्णय में नियम कानून का उल्लेख कर दिया तो आप समझिए कि उस आदमी का न केवल जीवन चौपट है, नौकरी भी चौपट है। ऐसे अनेक उदाहरण में नाम नहीं लेना चाहता जहां IAS और IPS अधिकारियों के जो ईमानदारी में जिनका आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा है उनका जीवन नष्ट कर दिया गया। मैं मोरवी के उस पे आता हूं। जिस दिन ये मोरवी का की दुर्घटना हुई उस दिन मैं भुज में था। हमारे परिवर्तन यात्रा निकल रही थी तो मैं भुज में था। रात को हमें मालूम पड़ा कि दुर्घटना हो गई है तो मैं सुबह वहां पर मोरवी पहुंच गया। जो वहां पे मुझे जानकारी मिली मैं कभी भुला नहीं सकता। वहां जब मैं पहुंचा तो लोगों ने मुझे बताया कि लगभग 6:30 बजे कोलैप्स हुआ। एक पुलिस का कर्मचारी, अधिकारी, पुलिसमैन, कांस्टेबल तक वहां नहीं था। और उसमें कैपेसिटी 50 से ज्यादा की कैपेसिटी होने का सवाल ही नहीं होता था। मुझे बताया गया कि पहले जमाने में जब ये पुल बना था तो एंट्री पे 25 लोग एग्जिट ना कर ले तब तक वहां से एंट्री नहीं दी जाती थी, ये नियम था। लेकिन उस दिन रविवार के दिन प्रशासन को मालूम होना चाहिए कि उस दिन भीड़ होगी, दिवाली के आसपास की घटना है, लेकिन पुलिस का एक भी आदमी वहां व्यक्ति मौजूद नहीं था। वहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी की सभा चल रही थी। 4 किलोमीटर वहां पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन 7:30 बजे तक वो सभा चलती रही जिसमें इंचार्ज मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के मेंबर पार्लियामेंट के साथ हमारी सहानुभूति है, उनकी तीनों सिस्टर्स, तीनों ब्रदर लॉज और उनके बच्चों के देहांत हुआ उस दुर्घटना में, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन वहां से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग 1 घंटे चलती रही इस दुर्घटना के बाद भी,
इसकी हम निंदा करते हैं। अब आइए आप फैक्ट्स पर। अभी मैं आपको जो गुजरात हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशंस हैं चीफ जस्टिस अरविंद कुमार जी और जस्टिस अशुतोष शास्त्री जी का, ये दर्शाते हैं कि किस तरह से इस सरकार में, मोदी जी के राज में, क्रिमिनलाइजेशन, कमीशन और करप्शन का बोलबाला है। अपराधी लोग जो बलात्कार और हत्या में सजा काट रहे हैं उन्हें रिलीफ दी जाती है और बाहर आने पर उनको महामंडित किया जाता है, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनके परिवारजनों को भाजपा का उम्मीदवार बनाया जाता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का सबसे बड़ी कोई जवाबदार व्यक्ति है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जिन्होंने कहा था कि मैं सर प्रधानमंत्री अगर बना तो चुने हुए व्यक्तियों के खिलाफ जितने भी केसेस हों उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2008 में एमओयू साइन हुआ कलेक्टर राजकोट और अजंता कंपनी का, जो अजंता कंपनी घड़ियां बनाती है, अच्छे क्वालिटी का उनका सिरेमिक्स का काम है, निकट है भाजपा के, उनके दामाद भाजपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया मेंटेनेंस और चलाने के लिए। 2017 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया लेकिन टिकट बिकते रहे, प्रशासन सोया रहा। उसके बाद भी कोई टेंडर फ्लोट नहीं किया गया और 2 साल तक टिकट चलते रहे। फिर 2020 में अजंता ने कहा कि हमको फिर से एग्जीक्यूट कर लीजिए एग्रीमेंट, उनको रिपेयर वर्क करना था। रिपेयर वर्क में कहते हैं 2 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके बाद घटना के 5 दिन पहले पूरा आयोजन हुआ, जो वहां के मालिक हैं, जो सीईओ हैं, जो मालिक हैं इस कंपनी के, उन्होंने फीता काटा, एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट हमने नहीं दिया। जनाब जिला कलेक्टर महोदय, आप क्या कर रहे थे? एसपी साहब क्या कर रहे थे? इससे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो नहीं सकता। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी रोल इसमें संदिग्ध है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इतना ग्रॉस नेग्लिजेंस में इनको अभी तक नोटिस अंडर सेक्शन 263 ऑफ गुजरात म्यूनिसिपल एक्ट क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं इसको भंग की गई। 100 वैसे तो फिगर मेरे पास जो वहां के फिगर 190 के थे, 192 के, जब मैं वहां गया था, मैं कई परिवारों से जाके मिला। ऐसी दुर्घटना मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। और उसके बाद आज उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। उस समय लाशें गाड़ो जलाओ, प्रेस आए उसके पहले सारे एविडेंस समाप्त करो। मैंने इस मामले में उसी दिन कुछ प्रश्न पूछे थे। क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, 135 लोग मरे
जो सरकारी आंकड़े हैं, किन पर केस दर्ज हुआ? टिकट बेचने वालों पर। किन के खिलाफ कार्रवाई हुई? छुटपुट लोगों के खिलाफ। आज तक उस कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? एफआईआर उसमें उसका नाम क्यों नहीं है कि उसका? क्योंकि मोदी जी का संरक्षण है। जो क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन और कमीशन का सबसे बड़ा आज ये उदाहरण है। अगर यही किसी दूसरे राज्य में हो जाता ना, तो पूरे देश में एक हाहाकार मच जाता। और यही नरेंद्र मोदी जी बंगाल में जाकर कहते हैं, जब एक पुल गिर गया था, एक्ट ऑफ गॉड कह दिया था वहां के टीएमसी के नेता जी ने, उनका नहीं एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। श्रीमान मोदी जी, मोरबी का एक्ट ऑफ गॉड था कि एक्ट ऑफ फ्रॉड था? इट वॉज द फ्रॉड ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। एंड मिस्टर मोदी, यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। द चीफ मिनिस्टर शुड हैव रिजाइन्ड, द मिनिस्टर शुड हैव रिजाइन्ड, बट नो अकाउंटेबिलिटी। एसआईटी हैज बीन फॉर्म्ड, ट्विटर पे लग गया, एसआईटी का नोटिफिकेशन आज तक नहीं निकला। एसआईटी का नोटिफिकेशन पर क्या बात करें, हाई कोर्ट के पास एसआईटी का नोटिफिकेशन नहीं था। बात यह है कि इससे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो क्या सकता है? बट नो अकाउंटेबिलिटी फिक्स। एसआईटी भी कितनी सारी बनी है, वडोदरा गैंगरेप, मोरबी ब्रिज का, भाटो जहरीली शराब का, जुलाई 2022, इरेवल्यूटरी लैंड डील, एक और एसआईटी, तक्षशिला फायर का एसआईटी। एसआईटी इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द अक्यूज्ड क्रिमिनल्स। दिस इज द मॉडल ऑफ गवर्नेंस ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह एंड देयर प्रोटीज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, हु इज ऑपरेटिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। द कांग्रेस पार्टी हैज रिलीज अ चार्जशीट विच यू मस्ट हैव रिसीव्ड नाउ अबाउट द इलेक्शंस। आई हैव नोन मिस्टर अरविंद केजरीवाल सिंस 2006। He became a symbol of honesty nationally। लोकपाल लाइए, India against corruption। Where is that organization now? पुअर अन्ना साहब हजारे, जो कि पकड़ के लाए गए, उनको बिठा दिया गया, और केजरीवाल जी ने लोकपाल का विषय लेकर के मेरे आने के बाद पूरा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। आज उन्हीं के सरकार के खाद्य मंत्री जेल में है सत्येंद्र जैन, उन्हीं के लिकर ट्रेड में आरोप लग रहे हैं। मेरा शुरू से आरोप रहा है, 2012 से मैंने आरोप लगाया है, अरविंद केजरीवाल इज अ पार्ट ऑफ द आरएसएस प्रोजेक्ट ऑफ कांग्रेस मुक्त भारत। ये कांग्रेस मुक्त भारत का, आरएसएस का एक प्रोजेक्ट का एक अंग है, और ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और एक दूसरा बी टीम का जो पार्टनर है, एमआईएम के माननीय ओवैसी जी,
ओवैसी जी को कहीं धरना प्रदर्शन करना है अहमदाबाद गुजरात में, तो उनको जिला प्रशासन खुशी खुशी में उनको इजाजत दे देती है। लेकिन कांग्रेस का भी आंदोलन प्रदर्शन करना चाहती है तो हमको तो डंडे पड़ते हैं, हमको इजाजत नहीं मिलती, हमको डंडे मिलते हैं। ये वो लोग हैं जो कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। 27 साल से ये सरकार चल रही है और अब तो बंजारा जी जो यहाँ के बहुत मशहूर पुलिस अफसर रहे, इनकाउंटर एक्सपर्ट, उनकाउंटर एक्सपर्ट ने भी अब पार्टी फ्लोट करी है। और पहला बयान उनका था कि 27 साल में कुछ नहीं हुआ, उनका बयान था, जो कि मोदी शाह जी के ब्लू आइड बॉय थे। और उसके बाद मूल लोकतंत्र का जो आधार है वो यही है कि डेमोक्रेसी मींस चेंज एंड दैट इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए आज गुजरात के अंदर इतने मुद्दे हैं, उनको यदि आप देखें, फेलियर ऑफ गवर्नेंस, क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन एंड कमीशन रूल ऑफ द बीजेपी, फ्लाउटिंग ऑफ रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोटेक्शन टू द क्रिमिनल्स, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और गवर्नेंस क्या है, स्कूल की हालत यह है 36,000 स्कूल में से 6,162 स्कूल बंद कर दिए गए सरकारी स्कूल, प्राइवेटाइजेशन इनका बस चले तो गुजरात की जो सेक्रेटेरिएट है उसको भी ठेके पर उठा दें ये लोग। एक पहला राज्य था जो कि पुलिसमैन की भर्ती ठेके पे होती है। दिस इज द गवर्नेंस मॉडल ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, हु क्लेम टू दैट ही विल गिव यू द गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज गिवन ड्यूरिंग द 60s एंड 70s इन द कांग्रेस रिजीम। द फाउंडेशन फ्रॉम ऑन विच दिस नींव पर गुजरात की प्रगति बढ़ी। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार में रहते हुए गुजरात को प्रेफरेंस दिया। सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन आज गुजरात में है, इन दी न्यूमेरिकल ऑर्डर मैक्सिमम जितना है उसमें 19th हम लोग आते हैं। कितने ज्यादा मेल न्यूट्रिशन यहां पर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और ये स्वयं अब तो आरएसएस के लोगों ने भी इसको स्वीकार किया है। भारत जोड़ो यात्रा का ये प्रभाव पड़ा कि एक महीने के अंदर मोहन भागवत जी मस्जिद और मदरसा जाने लगे, 2 महीने के अंदर आरएसएस ने स्वीकार कर लिया कि मोदी जी के राज में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये स्वीकार कर लिया कि इनकी नीतियों से कुछ चंद परिवारों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, ये सरकार इज ऑफ द रिच, फॉर द रिच, बाय द रिच, अगेंस्ट पुअर, अगेंस्ट द डिप्राइव्ड, अगेंस्ट द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फार्मर्स एंड लेबर। लुक एट द पॉलिसी, प्रधानमंत्री आवास योजना में
शहर में मकान बनेगा तो 2.5 लाख मिलेंगे और गांव में मकान बनेगा प्रधानमंत्री आवास जो 1.5 लाख मिलेंगे। सीमेंट का खर्चा वही, ट्रांसपोर्टेशन का तो और गांव में ज्यादा लगता है, लोहे का भी खर्चा ट्रांसपोर्ट ज्यादा लगता है। तो ये जो अपने आप में ये जो पॉलिसी है उस पर आप ध्यान दें, गवर्नमेंट की पहचान होती है कि उसके नीति क्या है, उसके नियम क्या है, कानून क्या है। पहला कानून के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाने का इन्होंने तय किया, लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म करिए। लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म नहीं होने दिया, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। अब द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं, पैसा कानून लागू करने की बात की जा रही है। 27 साल से यहां पे सरकार भाजपा की है, पैसा कानून की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया, उसके नियम क्यों नहीं बनाए गए। नियमों में भी परिवर्तन किया जा रहा, जो ओरिजिनल था कोई भी ग्राम सभा में काम नहीं होगा शेड्यूल एरियाज में जब तक कि उनकी सहमति ना हो, कंसेंट। उस नियम को परिवर्तन करके कंसल्ट कर दिया कि सलाह ली जाए। दे आर नॉट फेथफुल टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड आर हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ बैकलॉग ऑफ वेकेंसीज इन दिस स्टेट। लगभग 23,000 तो शिक्षकों की के पद खाली है, और जब भर्ती होती है तो भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग ही पेपर आउट कर देते हैं। ये यहाँ नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, ये एक बिजनेस बन गया है पेपर लीक करने का। इसलिए साथियों आपके माध्यम से गुजरात के मतदाता भाइयों से बहनों से मेरी प्रार्थना है कि वे परिवर्तन लाएं। आज सरकार किसकी बने ये कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, ना आम आदमी पार्टी ना MIM, ये तो केवल वोट काटने के लिए खड़े हुए। धन्यवाद। एक मिनट, वन बाय वन। पहले किसी का भी सवाल मोरबी पर है तो वो पहले सादर आमंत्रित है। मोरबी, इतने पत्रकारों में मोरबी के ऊपर हाईकोर्ट 2 दिन से इतना क्रूर सख्त हो रहा है सरकार के ऊपर, पत्रकार सवाल नहीं पूछेंगे? यस। मोरबी सर, बिफोर यस्टरडे एज वेल दी गुजरात हाईकोर्ट स्टेटेड दैट मोरबी म्युनिसिपैलिटी शुड सबमिट इट्स फ्रेश एफिडेविट। यस्टरडे एज वेल दी हाईकोर्ट स्टेटेड दैट बिफोर 4 PM ईदर सबमिट दी एफिडेविट और गिव 1 lakh rupees ऑफ फाइन। टू व्हिच दी एफिडेविट वाज सबमिटेड एंड दी रिस्पांसिबिलिटी वाज टेकन बाय दी मोरबी म्युनिसिपैलिटी दैट इवन ऑन अ डे ऑफ द ब्रिज कोलैप्स दी ब्रिज वाज वीक एंड दे ओपन फॉर द पब्लिक। Do you think, sir, that the Morbi municipality chief officer should be arrested, and why not the Oreva company owners who had been given the contract are still out in public? Well, if you see by tweets of that day, one day after the Morbi disaster, I had raised 13 questions. If you go to my Twitter handle, I don't know how many of you follow me. Whether you told me or not is not a fact. I'm not concerned. But the fact remains that I had raised these questions next day only. It's a criminal liability starts from the top. The company CEO should have been arrested by now. He's absconding. No action. Even after 15 days, the police has not even sent a lookout for that CEO. They have not filed an FIR against the person who cut the ribbon 5 days before this disaster took place. Why? What about the collector and the SP? What were they doing? Morbi is a district headquarter. The collector SP were attending the public meeting of the BJP 4 kilometers away
एंड इट टुक देम हाफ एन आवर टू वन आवर टू रीच देयर. दीज आर फैक्ट्स. आई वुड अर्ज अपॉन द ऑनरेबल बेंच टू आस्क द कलेक्टर एंड द एसपी टू डिपोज बिफोर देम द वे वर दे बिटवीन दिस पीरियड बिटवीन 6:30 एंड 7:30. When were they informed? Why did they not rush to the site? It is the responsibility of the collector and SP, and they should also be made accused and suspended. Ji. Sir, ye teen rajyon ke mukhyamantri Morbi se 50 kilometer ke daire mein jan sabha kar rahe hain, jisme Yogi Adityanath, Shivraj Singh Chauhan aur Mukhyamantri Bhupendra Patel. क्या लगता है आपको कि ये मोरवी की दुर्घटना को ओवरलैप करने के लिए बाहर के दो राज्यों के मुख्यमंत्री समेत गुजरात के मुख्यमंत्री एक ही इलाके में तीन जनसभा कर रहे हैं? बात ये है कि ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनके खुद के राज्यों में उनसे प्रशासन नहीं संभल रहा है, जिनके खुद के राज्यों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इनका असर यहां क्या पड़ेगा? लेकिन मोरवी की दुर्घटना का असर न केवल राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी पड़ा है और हमारी जो प्रतिष्ठा थी उसमें कमी आई है. अश्विन, भाजपा से कांग्रेस से जो भाजपा में गए और 25 जो अभी है विधायक के रूप में भाजपा से लड़ रहे वो कौन सी टीम है? और आप भाजपा से लड़ना है कि आम आदमी पार्टी से? ये बिकाऊ टीम है. दिग्विजय जी, महाराष्ट्र के नेता है राम कदम, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर वीर सावरकर का अपमान करते हैं तो उनकी यात्रा का अलग तरीके से स्वागत किया जाएगा. इससे आपको वीर सावरकर जी, दामोदर और सावरकर, इन्हें माफी मांगी कि नहीं मांगी? उन्होंने सरकारी ब्रिटिश हुकूमत से भत्ता लिया कि नहीं लिया? उन्होंने भारत के विभाजन के लिए सबसे पहले बयान दिया कि नहीं दिया? ये सारी बातें सामने हैं. जहां तक हमारे यात्रा का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा का, उसका जिसको हमारा तो रास्ता साफ है, हम नफरत के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं और सनातन धर्म का की मूल भावना प्रेम सद्भाव की है. विश्व को एक कुटुंब जो सनातन धर्म मानता हो, जो धर्म अपने हर धार्मिक आयोजन में शांति पाठ कराता हो, जो धर्म अपने नारे में विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना कहता हो, वो कभी नफरत की पैरवी नहीं कर सकता. इसलिए उनको जो करना है करें. हमारा लक्ष्य इस भारत में कि अनेकता में एकता ही हमारा लक्ष्य है. शांति, प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा, ये महात्मा गांधी ने भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और सनातन धर्म की परंपराओं से लिया है, उस पर हम कायम है. जी. सर, दिग्विजय जी, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए मैं आपको सवाल कर रहा हूँ. केंद्र सरकार और भाजपा जो गुजरात की है वो बार बार अपनी सभाओं में कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो सदर जो बांध है उसमें रुकावटें पैदा की है, डिस्प्यूट क्रिएट की, इसलिए उसमें जो समय लग चुका है बहुत, इसके लिए ये बार बार आपके आरोप लगता हुआ आप इस पे. मैं मुख्यमंत्री था तब केशुभाई पटेल, जो कि बेहद भले और नेक इंसान थे, उनके साथ हमारी बैठ के मीटिंग हुई थी और जो भी विवाद थे हमने सुलझाए, जिसके कारण बांध का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ. लेकिन आज तक नहरें सौराष्ट्र तक के तक नहीं पहुंच पाई हैं. और अभी मैं भुज में था तो मुझे बताया गया कि इतना अच्छा ठेकेदार काम कर रहा है कि पहली बार पानी छोड़ा गया नहर में और नहरें टूट गई. ये क्वालिटी का एक काम है. कमीशन इतनी दी ली जा रही है कि वहां ना तो सड़क रुक पा रही है ना पुल रुक पा रहा. भुज का पुल 18 साल बाद तो भुज का पुल बना,
और 3 महीने में उसके अंदर क्रैक्स आ गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे उद्घाटन किया मोदी जी ने और उसमें 6 फुट गड्ढा 1 हफ्ते बाद हो गया। कारण क्या है कि प्रोजेक्ट के अंदर कमीशन धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है और कोई प्रश्न उसके बारे में करता है तो उस पर ईडी आईटी सीबीआई पता नहीं कौन कौन से केस लगा दिए जाते हैं। जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू शर्मा जी, आपने कम से कम ख्याल किया। आइए आइए सवाल। गुजरात को आप नजदीक से जानते हैं और 2002 के बाद जितने भी चुनाव हुए सब में आपकी भूमिका थी। मेरी भूमिका 2007 के चुनाव में थी, 12 में नहीं थी। जो सबसे बड़ा इशू आपको तमाम बिल्किस बानू गोधरा के जो मामले को आपने छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल हमने कांग्रेस पार्टी ने उठाया, नेशनली उठाया। अभी मैंने अपने भाषण में कहा है, अपने वक्तव्य में कहा है, वक्तव्य मैंने कहा है। देखिए बात यह है कि बिल्किस बानो का एक एग्जेम्पलरी केस है जहाँ रेप और मर्डर हो जाने के बाद अपराधियों का सम्मान किया जा रहा है कन्विक्शन के बाद। इससे बड़ा एक क्या हो सकता है। बीजेपी ने 2 ऐसे कैंडिडेटों को एक नलोड़ा पाटिया से जिनके पिताजी दो मैंने देखा वो दंगे के आरोपी हैं और सीके राहुल जी को वापस रिपीट किया जो उस कमेटी के मेंबर थे जिसने रेकमेंड किया था कि इनको छोड़ दिया जाए दोषियों को। मैंने कहा ना कि मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज क्रिमिनलाइजेशन कमीशन एंड करप्शन। दिस इज द मॉडल ऑफ गवर्नेंस ऑफ नरेंद्र मोदी। देखिए आम आदमी पार्टी भाजपा के बीच की मिली कुश्ती में मैं नहीं जाना चाहता। इट इज टोटली मिली कुश्ती। कमलनाथ जी ने अपने जन्मदिन पे मंदिर नुमा के काटा में हनुमान जी का मंदिर था उसको बीजेपी देखिए बात यह है इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या करें बेचारे। कल अमित शाह ने बताया कि 27 साल तक गुजरात में शासन ये कांग्रेस का। फिर भी बोल रहे कि सब जगह बैनर लगाए हुए कांग्रेस से काम बोले से काम बोले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। देखिए अमित शाह जी जो है उनके बारे में जितना मैं जानता हूँ ज्यादा आप जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक मिनट सवाल चल रहा। जो हम लोगों ने अपनी बात कही है हम अपनी बात हमेशा से कहते आए हैं उसको हम लोगों ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। जब भी केंद्र सरकार बनी भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी हमने गुजरात की सरकार के साथ कभी अन्याय नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा उसको समर्थन किया है अच्छे प्रोजेक्ट के लिए। अमित शाह जी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े वो भी कांग्रेस ने बनाई थी भाई। पढ़े वो भी कांग्रेस ने पढ़े।